हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे मशरूम ऑनियन सैंडविच। यह शाम को आप स्नैक्स के रूप में या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम मशरूम, 2 प्याज कटे हुए, ब्रेड, बटर, चीज स्लाइस, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 छोटा चम्मच ओरिगैनो। प्याज को लंबाई में काट लें और मशरूम को भी अच्छे से धो के लंबा लंबा पतला पतला काट लें। अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। पैन में बटर डालें, लंबे कटे हुए प्याज डालें और प्याज को सौते करें। जब प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने लगे तब इसमें मशरूम डाल दें और मशरूम को भी सौते करें। 1-2 मिनट इसे चलाने के बाद फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालें, चिली फ्लेक्स डालें, काली मिर्च और ओरिगैनो डालें। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करें। ये देखिए, स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम सैंडविच बनाएंगे। गैस को बंद कर दें और ब्रेड पर बटर अप्लाई करें। स्टफिंग को ब्रेड पर रखें। चीज स्लाइस रखें और दूसरी ब्रेड से सैंडविच को कवर करें। सैंडविच हम टोस्टर में बनाएंगे। ब्रेड पर बटर लगाएं और सैंडविच को टोस्टर में सेकें। लो टू मीडियम फ्लेम पर सैंडविच को सेकें। इससे हमारे सैंडविच क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, सैंडविच हमारा रेडी है। इसी प्रकार सारे सैंडविच रेडी करें। सेंटर से कट करके इसे सर्व करें। मशरूम सैंडविच को आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सैंडविच बने हैं। मशरूम सैंडविच आप भी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। आप हमारी ये वीडियोज़ भी देख सकते हैं।